नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं NN24। अखिलेश यादव फिलहाल भाजपा और कांग्रेस के एक मामले में कहीं आगे दिखते हैं। याद करिए लोकसभा का चुनाव, जब उन्होंने राजधानी से एक कायस्थ उम्मीदवार मैदान में उतारा था। हार जीत तो चलती रहती है। जेपी आंदोलन से जुड़े कई नेता सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे, लेकिन उनके नाम पर जेपीएन आईसी अखिलेश यादव ने बनवाया। आज जब अखिलेश ने आलोक रंजन को टिकट दिया तो सबके दुख दर्द बाहर निकल आए। पल्लवी पटेल के लिए अखिलेश यादव ने सिरातू में सबसे ज्यादा समय दिया। सपा नेता इंद्रजीत सरोज की मेहनत के बलबूते विधायक बनी पल्लवी पटेल अब अखिलेश यादव को आग दिखा रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को तकलीफ यह है कि वो भी राज्यसभा जाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के रास्ते वो सदन नहीं जा सकते। मुस्लिमों ने अखिलेश पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि कायस्थ हमेशा से ही भाजपा को वोट देते आए हैं, उन्हें भाजपा टिकट नहीं देती तो सपा क्यों दे रही है। गौरतलब है कि भाजपा ने न तो प्रवक्ताओं, न विधान परिषद और न ही राज्यसभा में कायस्थों को तरजीह दी है। सभासद के चुनाव में राजधानी के 110 पार्षदों में सिर्फ 2 कायस्थों को टिकट दिया और 2 मौजूदा सभासदों का टिकट काटा था। 2022 के चुनावों में भी अल्पसंख्यक बाहुल इलाके से कायस्थ प्रत्याशी उतारे थे, जबकि राजधानी की मध्य सीट से विजयी ब्रजेश पाठक जी कैंट से चुनाव लड़कर ही जीत पाए थे। विधायक और सांसदी तो छोड़िए, प्रवक्ताओं के पैनल से भी कायस्थ नजारत दिखे।